नमस्कार दोस्तों, यूपी की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चावल के फरे बनाएंगे। चावल के फरे बनाने के लिए हमने रात भर भीगी हुई उड़द के दाल को पीस लिया है। उड़द के दाल को पीसने के बाद अब हम दाल को फ्राई कर लेंगे, हल्का सा इसे भून लेंगे। इससे फरे का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। चलिए हम चावल के फरे को भून लेते हैं। चावल के फरे भूनने के लिए हमें तेल चाहिए, नमक, जीरा और हल्दी पाउडर और हल्का सा गरम मसाला। चलिए हम उड़द के दाल को भून लेते हैं। सबसे पहले हम गैस को ऑन करके कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई को हल्का गरम होने देंगे। दोस्तों, हमारी कढ़ाई गरम हो चुकी है। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। तेल हम सरसों का डाल रहे हैं। तेल को अच्छे से गरम होने देंगे। हमारा तेल अच्छे से गरम हो चुका है। अब हम इसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे। जीरे को चटकने देंगे। अच्छे से ब्राउन हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को एकदम लो पर कर देंगे और उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा मसाला डालेंगे। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच धनिया और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। नमक इस तेल में मिलाने से अच्छे से पूरे उड़द की दाल में अच्छे से मिल जाएगा। हमारा मसाला पक चुका है। अब हम इसमें उड़द की दाल को डालकर फ्राई कर देंगे। अब हम दाल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दाल मसालों में अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को थोड़ा हाई करेंगे और उसके बाद हम इसे 5 मिनट तक भूनेंगे। हमें दाल को भूनते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। दाल थोड़ा कड़ा भी हो चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और स्टफिंग को थोड़ा ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम चावल के फरे बनाएंगे। हम गैस को बंद करके इसे ठंडे होने के लिए रख देते हैं। जब तक हमारा स्टफिंग ठंडा होगा तब तक हम इसके लिए आटा तैयार करते हैं। फरे बनाने के लिए हमने ये 3 कप आटा ले लिया है। ये हमारा आटा चना और चावल का मिक्स आटा है। हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। नमक के बाद हम इसमें थोड़ा सा तेल डाल देंगे। तेल डालने से हमारा जो फरा बनेगा एकदम खस्ते जैसा बनेगा। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करके हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सख्त डो तैयार करेंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा सख्त हो सके उतना सख्त डो तैयार करना है। हम इस तरह से इसे मसल मसल कर चिकना और एकदम सख्त डो तैयार करेंगे। दोस्तों, हमने ये सख्त डो तैयार कर लिया। अब हम इसे 10 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। इससे जो आटा होगा वो बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। उसके बाद हम चावल के फरे बनाना शुरू करते हैं। आटे को रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। आटा अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम इसके फरे बनाएंगे। थोड़ी देर पहले इसे मसल लेंगे। फरे बनाने के लिए हम सबसे पहले कुकर रखेंगे। कुकर में पानी डाल देंगे। एक लीटर हमने पानी डाल दिया है। हम इसमें 2 बड़े चम्मच रिफाइंड डाल देंगे और पानी को अच्छे से उबलने देंगे। जब तक हमारा पानी उबल रहा है तब तक हम फरे बना लेंगे। चलिए हम फरे बनाते हैं। सबसे पहले हम आटे में से छोटी सी लोई लेंगे। उसके इस तरह से पहले गोल करेंगे दबा कर। उसके बाद हम इसे पेड़े जैसा बनाएंगे। थोड़ा सा इस तरह से करके पतला कर लेंगे। अब हम इसमें स्टफिंग डालेंगे।
और इसे इस तरह से थोड़ा सा दबा देंगे। इसी तरह से हम दूसरा बनाएंगे। आप अपने अनुसार छोटा बड़ा कर सकते हैं। हम इसमें स्टफिंग डालेंगे। और इसे इस तरह से हल्का सा दबा देंगे। इसी तरह से हम सारे फरे बना लेंगे। जब तक हम फरे बनाएंगे तब तक हमारा पानी अच्छे से उबलने लगेगा, तब हम इसमें डालेंगे। हम फरे बनाकर उबलते पानी में डालकर इसे पकाएंगे। हमारा पानी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें छोटे छोटे फरे बनाए हैं, फरे को डाल देंगे। इकट्ठा फरे नहीं डालना है, क्योंकि इकट्ठा डालने पर सारा चिपक जाएगा, इसलिए थोड़ा सा डाल देंगे। थोड़ी देर बाद और बाकी फरे डालेंगे। अब हम इसे थोड़ी देर पकने देंगे, तब और बाकी फरे को डालेंगे। फरे को थोड़ा थोड़ा करके डालना है, नहीं तो सारा फरा एक में चिपक जाएगा, अच्छा फरा नहीं बन पाएगा। अब हम इसमें और फरे डाल देंगे। इसी तरह से हम सारे फरे को डालकर हमने सारे फरों को कुकर में डाल दिया। अब हम कुकर के ढक्कन को बंद कर देंगे, एक सीटी आने तक इसे पकाएंगे। चलिए एक सीटी आने का इंतजार करते हैं। सीटी आने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे। ध्यान रहे गैस की फ्लेम को हाई पर ही रखना है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और कुकर को ठंडा होने देंगे। जब इसकी सीटी निकल जाएगी तब हम कुकर को खोलेंगे। सीटी निकलने के बाद हम कुकर को खोलकर इसमें से फरे को निकालेंगे। दोस्तों कुकर की सीटी निकल चुकी है, अब हम कुकर को खोलेंगे और उसके बाद हम फरे को निकाल लेंगे किसी थाली। हम इस तरह से फरे को थाली में निकाल लेंगे। फरे को बहुत आसानी से निकालेंगे, आराम से, नहीं तो हमारे फरे टूट जाएंगे। इसी तरह से हम सारे फरे को निकाल कर रख देंगे, थोड़ा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। हमने सारे फरे को दो थाली में निकाल लिया है। अब इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। दोस्तों ये चावल के फरे बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। अब हम चलिए इसे फ्राई कर लेते हैं। इसे फ्राई करने के लिए सबसे पहले हम गैस पर कढ़ाई रखकर गैस को ऑन कर देंगे और कढ़ाई को थोड़ा गर्म करेंगे। कढ़ाई गर्म हो चुके हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। तेल आप सरसों का भी डाल सकते हैं और रिफाइंड भी डाल सकते हैं। तो हम थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दे रहे हैं और तेल को अच्छा गर्म होने देंगे। फ्राई करने से चावल के फरे के जो टेस्ट होता है वो और भी ज़्यादा टेस्टी बन जाता है। दोस्तों हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें फरे को डाल देंगे इस तरह से, और गैस की फ्लेम को एकदम मीडियम कर देंगे, लो पर। गैस की फ्लेम को एकदम लो कर देंगे, इस तरह से सारे फरे को डालकर फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम इसे थोड़ा सा चलाएंगे इस तरह से, और बाकी बचे हुए फलों को भी इसी में डाल देंगे। गैस को थोड़ा हाई कर देंगे, उसके बाद हम फरे को थोड़ी देर तल लेंगे अच्छे से। गैस को हाई करके अब हम इसे तलेंगे। आप इसे बिना तले भी खा सकते हैं, सिरके या चटनी के साथ और सब्जी के साथ भी खाया जाता है। फ्राई करने से खरे का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए फ्राई करना ज़रूरी हो जाता है। इसे हम थोड़ी देर तक पकाएंगे, उसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे।
दोस्तों फरे फ्राई हो चुके हैं। फरे को फ्राई करने में 5 मिनट का समय लगा है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। इसे आप सिरके, सब्जी या चटनी के साथ खा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।